सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट 2015 का क्वेश्चन पेपर, चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि नाकामिन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, देयर आर फ्यू चिल्ड्रेंस इन योर क्लास हु मेक एरर, Which of this most likely to be your analyst of this situation? तो क्या बोल रहा है, आपका क्लास में कुछ स्टूडेंट एरर कर रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट केवल एरर कर रहे हैं, which of this most likely to be your analyst of the situation? इस सिचुएशन में आपका एनालाइज क्या होगा? देखिए आपका क्लास है, आप एक आइडियल टीचर हो, तो आपका क्लास में कुछ स्टूडेंट गलती कर रहा है, तो उसमें आपका एनालाइज का सिचुएशन क्या होगा? देखिए चिल्ड्रेन हैव पुअर इंटेलिजेंस, उसको क्या है, ऐसा स्टूडेंट को मान लेंगे उसका पुअर इंटेलिजेंस है? ये तो बिल्कुल नहीं। चिल्ड्रेंस हैव नॉट येट गेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड देयर इज नीड फॉर योर रिफ्लेक्ट ऑन योर पेडागॉग। देखिए ये आंसर सही आंसर होगा, चिल्ड्रेन हैव नॉट येट गेन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये चिल्ड्रेन गलती क्यों कर रहे हैं भैया? ये चिल्ड्रेन गलती इसलिए कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुआ है, एंड देयर इज नीड फॉर योर रिफ्लेक्ट ऑन योर पेडागॉगी। आप जिस प्रोसेस में, जिस स्ट्रेटजी में आप समझा रहे हो, उसमें, उस पेडागॉगी में आपको चेंज करने का ज़रूरी है उन स्टूडेंट को लर्न कराने के लिए। फिर भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रेन नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड वांट टू क्रिएट इनडिसिप्लिन। चिल्ड्रेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड वॉन्ट टू क्रिएट डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, ऐसे स्टूडेंट जो कि नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और इनडिसिप्लिन करने के लिए बहुत माहिर हैं, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। चिल्ड्रेन शुड नॉट हैव बीन प्रोमोट टू योर क्लास, ऐसा स्टूडेंट जो बार बार गलती कर रहे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये भी तो गलत है। तो एक हम आइडियल टीचर्स है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा चिल्ड्रेन को सिखाना, नॉट कि चिल्ड्रेन को डराना, चिल्ड्रेन को डराना नहीं, चिल्ड्रेन को सिखाना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। उसके बाद देखिए, तो इसलिए तो चिल्ड्रेन को सिखाने के लिए हमारा पेडागॉजी में हम सुधार लाएंगे, जो कि ना जो स्टूडेंट बार बार गलती कर रहे हैं उन लोग सीख पाए। ठीक, उसके बाद देखिए, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट लीड अस टू बिलीव दैट, फेलियर ऑफ अ चिल्ड्रेन टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट लीड अस टू बिलीव दैट। तो क्लास टेस्ट में फेलियर हुए हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, फेलियर ऑफ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल, मतलब अच्छे से क्लास टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं ऐसा एक बच्चे, इन क्लास टेस्ट लीडिंग टू बिलीव दैट, उसमें उस बच्चों में आप क्या बिलीव करेंगे, क्या विश्वास रखेंगे, क्या है? देखिए, असेसमेंट इन ऑब्जेक्टिव कैन बी यूज्ड क्लियरली एंड आइडेंटिफाई फेलियर, असेसमेंट इन ऑब्जेक्टिव कैन बी यूज्ड एंड क्लियरली आइडेंटिफाई फेलियर। चिल्ड्रेंस आर बॉर्न विथ, देखिए चिल्ड्रेंस आर बॉर्न विथ सर्टेन कैपेबिलिटीज एंड डिफ़िकल्टीज, चिल्ड्रेन जो हैं जन्म लेते हैं विथ सर्टेन कैपेबिलिटीज एंड डिफ़िकल्टीज, मतलब चिल्ड्रेंस ऐसा है, मतलब बच्चे अपना मम्मी का
पेट से जन्म लेते हैं, अपना मम्मी का बॉडी से जन्म लेते हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ और कुछ डिफ़िकल्टीज़ लेके जन्म लेते हैं, तो बिल्कुल गलत है। देयर इज नीड टू रिफ्लेक्ट अपन द सिलेबस, पेडागॉजी एंड असेसमेंट प्रोसेस। तो देखिए, जो बच्चे क्लास टेस्ट में अच्छे नहीं कर पाए हैं, मतलब वो सीख नहीं पाए हैं, तो देयर इज नीड टू बी रिफ्लेक्ट अपन सिलेबस, पेडागॉजी एंड असेसमेंट प्रोसेस। हम एक आइडियल टीचर हैं, आप एक आइडियल टीचर हो, देयर इज नीड टू रिफ्लेक्ट अपन सिलेबस। तो आप क्या करेंगे, सिलेबस में ध्यान देंगे, अपना पेडागॉजी को सुधारेंगे एंड असेसमेंट प्रोसीड्योर में कोई सुधार लाएंगे। सम चिल्ड्रेन, ये राइट ऑप्शन होगा। फिर ऑप्शन फोर देख लेते हैं। सम चिल्ड्रेन आर ड्रीम टू फेल इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ हार्ड सिस्टम ट्राइड। सम चिल्ड्रेन आर ड्रीम टू फेल। तो ऐसा कुछ चिल्ड्रेन का सपना होते हैं क्या फेल करने का? Some children are deemed to fail irrespective how hard the system tries. चाहे सिस्टम कितना भी करके कोशिश कर ले, उन लोगों के लिए उनका तो सपना ही होता है फेल करना। ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। राइट ऑप्शन होगा, जो स्टूडेंट क्लास टेस्ट में फेल कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनका सीखना ठीक से नहीं हुआ, तो फिर हम अपना तरीका बदल के उनको सिखाने का कोशिश करेंगे। हम एक टीचर्स हैं, अपना तरीका बदल के उनको सिखाने का कोशिश करेंगे, अपना पेडागॉजी को चेंज करेंगे, सिलेबस में जो दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे भले, और असेसमेंट प्रोसेस में चेंज लाएंगे। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला हुआ है, देखिए। टीचर्स वॉन्ट टू एंश्योर दैट हर स्टूडेंट आर मोटिवेट इंट्रिंजिकली सी सूट। देखिए, एक टीचर चाहते हैं टू इंश्योर दैट हर स्टूडेंट आर मोटिवेट इंट्रिंजिकली, उनका जो स्टूडेंट है वो अपने मतलब इंट्रिंजिकली मतलब इनवर्ट मोटिवेशन उनको मिले। सी सूट उन्होंने क्या करेंगे, स्पेशली यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रेन, है ना, स्पेसिफाई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रेन, ये तो सही नहीं है। प्लान लर्निंग एक्टिविटी विथ एनकरेज एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। प्लान लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे विच एनकरेज कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि ना कॉन्वर्जेंट थिंकिंग को मतलब बढ़ावा दे। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन रैदर देन ऑन फाइनल आउटकम। तो ऐसा टीचर किस में फोकस करेंगे? फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ऐसा टीचर फोकस करेंगे किस में? उनका लर्निंग में, वो कितना सीख पा रहे हैं, है ना। लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स चिल्ड्रेन, एक एक चिल्ड्रेन कैसे सीख पा रहे हैं उसमें फोकस करेंगे, रेदर देन फाइनल आउटकम। चाहे रिजल्ट कितना आ रहा है उसमें, उसके लिए फोकस ना करके वो सीख पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसी में फोकस करेंगे। यही मेन है दोस्तों। ए टीचर शुड वॉन्ट टू एंश्योर, जो टीचर चाहते हैं वो खुद से खुद मोटिवेट हो, वो इनर मोटिवेट हो, तो ऐसा टीचर किस में फोकस करेंगे? फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन रादर देन ऑन द फाइनल आउटकम। उनका फाइनल आउटकम में फोकस नहीं करेंगे, बल्कि वो चिल्ड्रेन सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं उसमें ही फोकस करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, which one of the following statement best describe any children should be encouraged to ask question in the class, which one of the following statement best describe कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं why children should be encouraged to ask question in the class। बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछे
कौन सा स्टेटमेंट अच्छा से डिस्क्राइब करे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाई चिल्ड्रन शुड एनकरेज, क्यों स्टूडेंट को इनकरेज रहे, क्यों स्टूडेंट इनकरेज रहे टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज क्यों रहे। देखिए क्वेश्चन इंक्रीज द क्यूरियसिटी ऑफ चिल्ड्रेन, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करने से अगर बच्चे क्वेश्चन करे उनका अंदर में क्वेश्चन करे, क्यों क्वेश्चन करें, उनका अंदर में क्यूरियसिटी है तो क्वेश्चन करें। उसके बाद देखिए चिल्ड्रेन कैन मेड टू रियलाइज दैट दे लैक इंटेलिजेंस बाय मेकिंग देम थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दे डिड नॉट नो अबाउट। चिल्ड्रेन कैन नॉट मेक रियलाइज दैट दे लैक इंटेलिजेंस बाय मेकिंग देम थिंक टू ऑल थिंकिंग दे डू नॉट नो अबाउट। चिल्ड्रेन कैन मेक रियलाइज, चिल्ड्रेन को रियलाइज करना है दैट दे लैक इंटेलिजेंस, उसको इतना इंटेलिजेंस नहीं है बाई मेकिंग देम थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दे डू नॉट नो अबाउट, सारे चीज़ वो नहीं जानते। क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाई इंटरेक्शन एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये सबसे मेन अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड, अगर बच्चे क्वेश्चन करे वो क्या होगा, उनका लर्निंग आगे बढ़ेंगे बाई इंटरेक्शन एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो क्या होगा उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन करने से उनका लर्निंग क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा by interaction and lead conceptual clarity, उसमें क्या आएगा, conceptual clarity आएगा। question करेंगे जितना बच्चे question पूछेंगे उनका, question करने से teacher answer देंगे तो या फिर उनका दोस्त answer देंगे, फिर क्या होगा अगर discussion में तर होगा तो फिर और एक student भी answer दे सकते हैं, इसमें उनका conceptual clarity आएगा जो कि ना सबसे important है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, व्हिच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हिच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हिच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक, तो लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट में रह सकते हैं, कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए एन आईक्यू बिलो 50, तो आईक्यू लो बिलो 50 है, हमको क्या पता चलेगा एक बच्चे का आईक्यू बिलो 50 है कि नहीं है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हो सकता है क्या है, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग है ना, रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग व्हाट, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली वो क्या है, पढ़ नहीं पाएंगे, डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग फ्लुएंटली वो फ्लुएंटली पढ़ नहीं पाएंगे, एंड रिवर्सिंग व्हाट है ना, उस व्हाट को एक व्हाट को क्या करेंगे, बार बार रिवर्सिंग करेंगे बोलने के लिए, डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग फ्लुएंसी वो पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, और एक व्हाट को बोलने के लिए सोचो एक व्हाट है ना, एनिमेशन ऐसा करके बोलेंगे है ना। बुलिंग अदर्स चिल्ड्रेन एंड एंगेजिंग इन एग्रेसिव एक्ट है ना, बुलिंग अदर्स चिल्ड्रेन एंड एंगेजिंग इन एग्रेसिव एक्ट, डूइंग द सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली है ना, एक एक काम बार बार रिपीट करेंगे, वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे, ये नहीं, मेन अप्रोप्रिएट आंसर होगा डिफिकल्टीज इन रीडिंग, जिनका क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो रीड नहीं कर पाएंगे, एंड रिवर्सिंग द वर्ड, उस एक वर्ड को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।